नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। मेरा नाम है जगदीश और फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ऑटोमोबाइल डीएनए में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑल न्यू निसान किक्स के बारे में। थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा दोस्तों कि आज की इस वीडियो में हम निसान किक्स की कंप्लीटली चीरफाड़ करने वाले हैं। इस वीडियो में हम किसी भी तरीके से गाड़ी के डिटेल्स, गाड़ी के फीचर्स, गाड़ी का रिव्यू, गाड़ी के कंपैरिजन, डायमेंशंस, इन सारी चीजों पर बात नहीं करेंगे। ये वीडियो कम्प्लीटली फोकस होगा कि निसान की तरफ से किक्स को लॉन्च करते हुए वो कौन सी गलतियां हुई हैं, वो कौन सी कमियां रह गई हैं जिनके चलते ये गाड़ी इंडियन मार्केट में शत प्रतिशत यानी कि 100% फेल होगी और ये कॉम्पिटिशन के चलते अपने लिए कोई भी जगह नहीं बना पाएगी। इसके कई सारे रीजंस हैं, वो रीजंस भी हम जानेंगे दोस्तों, और कॉम्पिटिशन में ये गाड़ी कहाँ स्टैंड आउट करती है ये भी जानेंगे। 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन के साथ में ये गाड़ी आपको अवेलेबल होती है। 1.5 लीटर पेट्रोल में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में इट विल प्रोड्यूस 106 पीएस पावर विथ 142 एनएम का टॉर्क। वहीं पर डीजल में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में इट विल प्रोड्यूस 110 पीएस पावर विथ 240 एनएम का टॉर्क। प्राइसिंग की जहां तक बात करें तो दोस्तों, निसान ने वेरिएंट्स काफी लिमिटेड रखे हैं। गाड़ी के सिर्फ दो ही वेरिएंट रखे हैं, एक है बेस वेरिएंट जो कि XL होगा और एक है टॉप वेरिएंट जो होगा XV। लेकिन वहीं पर डीजल में दो और एडिशनल वेरिएंट्स आपको दिए गए हैं, XV प्री और XV प्री ऑप्शनल। प्राइसिंग की जहां तक बात करें तो गाड़ी स्टार्ट होती है 9,55,000 से पेट्रोल बेस वेरिएंट से, और पेट्रोल का टॉप मॉडल जाएगा 10,95,000 तक। वही डीजल की बात करें तो बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है 10,85,000 से, XV टॉप मॉडल जाएगा 12,49,000 से। अगले जो दो ट्रिम है जो कि XV प्री, इट विल कॉस्ट 13,65,000 एंड XV प्री ऑप्शन विल कॉस्ट 14,65,000। XV प्री टॉप मॉडल से 1,16,000 महंगा है और XV प्री ऑप्शन 2,16,000 महंगा है। चलिए जानते हैं कि वो कौन से फीचर्स है जो आपको निसान किक्स में बेसिकली स्टैंडर्ड मिलेंगे टॉप मॉडल तक यानी कि XV तक। इसमें आपको मिलेंगे 17 इंच मशीन कट अलॉय व्हील्स, पावर स्टीयरिंग जो कि सिर्फ टिल्ट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, ऑटोमेटिक AC विद रियर AC वेंट्स, 8 इंच टचस्क्रीन सिस्टम विद एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो, ABS, EBD, ड्यूअल एयरबैग एंड रियर पार्किंग सेंसर जैसे फीचर आपको इस गाड़ी में स्टैंडर्ड मिलेंगे। लेकिन अगर आपको इससे ज्यादा ऑप्शंस और ज्यादा फीचर्स गाड़ी में चाहिए तो डीजल में आपको XV प्री लेना पड़ेगा जो कि 1,16,000 महंगा है। तो जान लेते हैं कि XV प्री में आपको वो कौन से फीचर्स आते हैं, वेदर दोज फीचर्स आर वर्थ ऑफ पेइंग 1,16,000 रुपीज एक्स्ट्रा टू द निसान। और इसमें आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVMs विद टर्न इंडिकेटर, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, इको ड्राइव मोड, स्मार्ट कार्ड कीलेस एंट्री, व्हीकल डायनामिक कंट्रोल प्रोग्राम एंड हिल स्टार्ट असिस्ट। 1,16,000 रुपए देने के बाद भी सिर्फ इतने ही फीचर्स आपको मिलते हैं। मुड़ते हैं अगले ऑप्शनल वेरिएंट की तरफ जो है XV प्री ऑप्शनल। ये 2,16,000 रुपए महंगा है और इसमें आपको मिलेगा 360 डिग्री अराउंड व्यू कैमरा, फ्लोटिंग 8 इंच टचस्क्रीन सिस्टम। अब तक आपको गाड़ी में सिर्फ ड्यूल एयरबैग्स मिल रहे थे, यहाँ पर फ्रंट सीट पर दो साइड एयरबैग्स मिलेंगे जिसके चलते अब आपको टोटल 4 एयरबैग्स मिलेंगे। ड्यूअल टोन इंटीरियर्स विद डबल स्टिच लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, सॉफ्ट टच डैशबोर्ड आएगा आपको, फ्लोटिंग रूफ विद ड्यूअल टोन कलर, रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक हेडलैम्प और स्मार्ट कार्ड कीलेस एंट्री। इतने ही फीचर्स टोटल निसान के सारे वेरिएंट्स मिलाकर आपको मिलते हैं जो कि कॉम्पिटिशन के चलते बहुत ही ज्यादा कम है और प्राइस तो आपने आसमान को भिड़ा दी है। कई सारे रीजन है दोस्तों जिसके चलते निसान किक्स फेल होगी। उसमें सबसे पहला रीजन है कि निसान किक्स 5 सालों के बाद निसान का कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है। 2013 सितंबर को निसान टेरानो आई थी, उसके बाद में 5 साल तक कोई भी गाड़ी निसान ने लॉन्च नहीं की है। जितने भी फीचर्स इस गाड़ी में है वो अप मार्केट और आज की कॉम्पिटिशन के हिसाब से नहीं है, और इन सारे फीचर्स के बावजूद भी मुझे पर्सनली ये गाड़ी आउटडेटेड लगती है और आपको ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी चाहिए। इट इज़ नॉट एट ऑल वैल्यू फॉर द मनी, वैल्यू फॉर प्रोडक्ट, और आपके पैसे इसमें वेस्ट हो सकते हैं। जबकि XUV300 इससे कम कीमत में आती है, उसे हम ऑलरेडी ओवर प्राइस के लिए कोस रहे हैं, जबकि वो इससे कई गुना ज़्यादा बेहतर फीचर्स के साथ में अवेलेबल होती है। और वहाँ पर बिना फीचर्स के 14,65,000 में निसान किक्स खरीदना किसी भी तरीके से एक समझदारी वाला सौदा नहीं होगा। अगला रीजन है दोस्तों, ये गाड़ी टू मच ओवर प्राइस्ड है। तीसरा रीजन है डीलरशिप एंड सर्विस के इश्यूज।
पांच साल तक अगर आप कोई भी गाड़ी लॉन्च नहीं करोगे तो आपके डीलर्स डेफिनेटली भूखे मर चुके होंगे, जिन्होंने लाखों करोड़ों रुपए आपकी डीलरशिप पर इन्वेस्ट किए हैं। अगर आप उनको उनके पैसे रिकवर करने के लिए गाड़ी या प्रोडक्ट ही लॉन्च नहीं करोगे, उन्हें बेचोगे नहीं, तो वो बेचारे कमाएंगे कहाँ से। किसी भी डीलरशिप के लिए 3% से लेकर 9% तक मैक्सिमम गाड़ी में मार्जिन होता है, लेकिन उनकी मैक्सिमम अर्निंग जो होती है वो सर्विस से, स्पेयर पार्ट से होती है। और अगर गाड़ियां ही नहीं बेचेंगे, नए नए मॉडल्स ही नहीं आएंगे, और मिनिमम मंथली अगर 200 से लेके 300 तक गाड़ियां अगर किसी भी सर्विस सेंटर में सर्विस के लिए नहीं आती है, तो ये डीलर के लिए बहुत ही घाटे वाला सौदा होता है। आई एम श्योर दे मस्ट बी हैविंग 1000 इश्यूज विद निसान। अगला रीजन है दोस्तों, डीलरशिप और कंज्यूमर्स का निसान पर भरोसा। डीलरशिप एक ऐसी जगह होती है जो आपके कंपनी के ब्रांड वैल्यूज की सर्विस कस्टमर तक पहुंचाती है, और अगर डीलर्स ही कुछ नहीं होंगे कंपनी से, तो वो एंड यूजर को यानी कंज्यूमर को एक सेटिस्फैक्टरी सर्विस कैसे देंगे। स्पेयर पार्ट की अवेलेबिलिटी ना होना, 5-5 साल तक गाड़ी को लॉन्च ना करना, इन सारे रीजन की वजह से दोबारा कंज्यूमर निशान पर किस तरीके से भरोसा करेगा, ये बहुत बड़ा सवाल या निशान है। निसान को लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना पड़ेगा कि हम इंडियन मार्केट के बारे में बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, कंज्यूमर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, और हम आपके लिए हमेशा अपडेटेड और वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लाते रहेंगे, तभी कुछ बात बनेगी, वरना ये गाड़ी डेफिनेटली फेल ही होने वाली है। हालांकि डायमेंशंस की अगर हम बात करें तो ये गाड़ी पूरे सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे अच्छी स्पेशियस गाड़ी है। अब मुड़ते हैं कंपटीशन की तरफ, और सबसे पहला कंपटीशन आता है नेक्सॉन की तरफ से। टाटा नेक्सॉन आपको पेट्रोल और डीजल दोनों ऑप्शंस में अवेलेबल होती है। पेट्रोल में आपको मिलता है 1.2 लीटर का इंजन जो कि 110 पीएस की पावर विथ 170 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। डीजल में 1.5 लीटर विल प्रोड्यूस 110 पीएस पावर विथ 260 एनएम टॉर्क, अवेलेबल विथ 6-speed मैनुअल, और इसमें आपको 6-speed ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन भी अवेलेबल है। 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देगा और 350 लीटर का बूट स्पेस देगा। वहां पर निसान की कक को 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस और 400 लीटर का बूट स्पेस ऑफर करती है। निसान में 17 इंच के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, नेक्सॉन में आपको सिर्फ 16 इंच के अलॉय व्हील मिलेंगे। बट नेक्सॉन की केबिन और ग्लव बॉक्स के स्टोरेज स्पेसेस बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और बेहतर है कंपेयर टू निसान। नेक्सॉन की प्राइस बेस वेरिएंट की स्टार्ट होती है XE 6,40,000 से, और XZ प्लस विद ड्यूअल टोन रूफ कलर के साथ में 9,23,000 तक जाती है। डीजल में यही प्राइस स्टार्ट होती है 7,44,000 से, टॉप मॉडल XZ प्लस ड्यूअल टोन विद रूफ 10,11,343 रुपीज में जाती है। यहां पर हम जितनी भी प्राइसेस कोट करने वाले हैं वो सारी एक्स शोरूम मुंबई कॉस्ट है। आपके शहर में प्राइसेस अलग अलग हो सकती है, इसके लिए आपको नजदीकी डीलर से संपर्क करना पड़ेगा। और जो भी गाड़ियां हम यहां पर कंसिडर कर रहे हैं वो सारी की सारी मैनुअल ट्रांसमिशन होंगी, क्योंकि निसान किक्स ऑटोमेटिक में अवेलेबल नहीं है। अब जानते हैं कि नेक्सॉन आपको इस प्राइस में क्या फीचर ऑफर करती है। नेक्सॉन में आपको आएगा 3-tone इंटीरियर, 6.5 इंच का हार्मन का टच स्क्रीन सिस्टम विच विल कम विद अ 4-speaker एंड 4-tweeter, वहीं पर किक्स में आपको सिर्फ 2-speaker और 2-tweeters मिलते हैं। यहाँ पर एक बुरी बात है नेक्सॉन में कि आपको सिर्फ ड्यूल एयर बैग्स आएंगे, उसके अलावा आपको ABS, EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, फ्रंट फॉग लैंप, कॉर्नरिंग फंक्शन, डे नाइट IRVMs और मल्टी ड्राइव मोड जैसे कि इको, सिटी और स्पोर्ट मोड, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल और पुश स्टार्ट स्टॉप बटन जैसे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ही XUV300 मार्केट में लॉन्च हुई और उसने एक बेंचमार्क रेज कर दिया फीचर्स के मामले में, टाटा ने अपनी वेबसाइट्स पर सभी गाड़ियों के बिल्ड एंड बुक का एक ऑप्शन लॉन्च किया जिसमें कुछ चेंजेस किए गए। और अभी अगर हम कंसिडर करते हैं कि डीजल XZ प्लस जो कि आती है 10,11,343 में, उसमें हम कुछ फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सनरूफ आपको 16,000 रुपये एडिशनल देने पड़ेंगे, DRL विद फॉग लैम्प आपको 16,000 रुपीज़ एडिशनल देने पड़ेंगे, आपको फ्रंट कॉर्नरिंग सेंसर या फ्रंट पार्किंग सेंसर्स 3,730 रुपीज़ एडिशनल में जाएंगे, और अगर आपको लेदर अपहोल्स्ट्री लगानी है सीट्स की, उसके लिए 6 ऑप्शंस अवेलेबल है स्टार्टिंग विद 7,260 एंड इट गोज अप टू 8,000। इन सारी एक्सेसरीज की अगर हम प्राइस मिला है तो जाती है 10,55,000 में, जो कि XUV300 से काफ़ी कम है और कई सारे फीचर्स इसमें ऐड हो जाते हैं। आपको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि नेक्सॉन इंडिया की सबसे सेफेस्ट कार है और सबसे वैल्यू फॉर मनी सब 4 मीटर का प्रोडक्ट है। इसके साथ में निसान किक्स को कम्पीट करना था, और इसके चलते निसान किक्स फीचर के मामले में कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती, ना कि इसके आसपास पहुंचती है।
निसान किक्स में कोई भी एडिशनल स्टैंड आउट करने वाले फीचर्स नहीं है एक्सेप्ट 360 डिग्री कैमरा, एक यही नया फीचर मुझे इस गाड़ी में मिला है। उसके अलावा कॉम्पिटिशन के चलते कोई भी आउटस्टैंडिंग फीचर्स नहीं है। अब बात कर लेते हैं इको स्पोर्ट्स की। इको स्पोर्ट्स भी आपको पेट्रोल और डीजल दो ऑप्शन में अवेलेबल होती है, लेकिन पेट्रोल में आपको दो इंजिन मिलेंगे। पहला है 1 लीटर इको बूस्ट जो आपको प्रोड्यूस करेगा 125 पीएस की पावर विद 170 एनएम का टॉर्क। 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन विल प्रोड्यूस 123 पीएस पावर विद 150 एनएम का टॉर्क। जहां तक डीजल की बात है 1.5 लीटर में इट विल प्रोड्यूस 100 पीएस पावर विद 205 एनएम का टॉर्क। इको स्पोर्ट्स का डीजल इंजन निसान किक के डीजल इंजन से थोड़ा सा कम पावर प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये कितना बेहतर है, इसकी रिफाइनमेंट कितनी अच्छी है, इसकी ड्राइवेबिलिटी, राइड एंड हैंडलिंग कितनी अच्छी, इसके बारे में कोई भी चीज बताने की जरूरत नहीं है। पेट्रोल डेफिनेटली मच मच बेटर एंड मच पावर प्रोड्यूसिंग देन द निसान पेट्रोल इंजन। फोर्ड इको स्पोर्ट्स में आपको क्या ऑप्शन यानी कि क्या फीचर्स मिलेंगे वो भी एक बार जान लेते हैं, उस पर नजर डाल लेते हैं। ऑटोमेटिक एसी आपको मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक ओआरवीएम्स पावर फोल्ड विद टर्न इंडिकेटर्स आएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आईआरवीएम आएगा, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर्स आएंगे, सनरूफ आएगा, फोर स्पीकर विद टू ट्वीटर्स विद 8 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम विद अ सिंक्स 3 ऑप्शन, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ABS, EBD, 6 एयरबैग्स, क्रैश डोर अनलॉक सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, HLA, ESC, EBA, TCS, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिंग स्टीयरिंग जैसे फीचर्स आपको निसान में नहीं मिलेंगे जो आपको फोर्ड इको स्पोर्ट्स में मिल जाते हैं, और वो ये सारी चीजें हैं जो इको स्पोर्ट को इस सेगमेंट में सबसे बेहतर गाड़ी बनाते हैं। अब मुड़ते हैं अगले कॉम्पिटिशन की तरफ जो है मारुति सुजुकी की ब्रेजा। मारुति सुजुकी ब्रेजा डीजल में ही अवेलेबल है। सबसे टॉप एंड वेरिएंट जाता है ZDI प्लस 9,99,397 रुपीज में। इसमें आपको 1.3 लीटर का इंजन आएगा जो आपको प्रोड्यूस करेगा 200 nm का टॉर्क, 24.3 kmpl की फ्यूल इकोनॉमी के साथ में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 198 nm की ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलेगी और 328 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। अब जानते हैं कि इस गाड़ी में इस प्राइस में आपको क्या फीचर्स मिलने वाले हैं। इस गाड़ी में आपको मिलेंगे इलेक्ट्रॉनिक ओआरवीएम्स विद पावर फोल्ड, ऑटो एसी, टिल्ट स्टीयरिंग, रेन सेंसिंग वाइपर, क्रूज कंट्रोल, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, ड्यूअल एयरबैग, रिवर्स पार्किंग कैमरा, ABS और EBD, ये सारे फीचर्स के साथ में आपको ब्रेजा यहां पर मिलेगी। एक और चीज दोस्तों मैं आपको बता दूं इस सेगमेंट में कि जो तमगे होते हैं यानी कि मेडल्स होते हैं उनके जोर पर हर एक गाड़ी इस सेगमेंट में अपनी अपनी जगह बनाए हुए हैं। जैसे कि ब्रेजा को अगर आप देखें तो वो मोस्ट फ्यूल एफिशिएंट कार है इस सेगमेंट में और सबसे ज्यादा बिकती है, हर महीने 10 से 15,000 यूनिट बिक जाते हैं। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है टाटा की नेक्सॉन जो कि मोस्ट सेफेस्ट, सबसे सस्ती वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है सब 4 मीटर सेगमेंट में, और उसके बाद आती है फोर्ड की इको स्पोर्ट्स जिसके बारे में कुछ ना ही कहे तो बहुत अच्छा है क्योंकि ये गाड़ी आउटस्टैंडिंग और एक्सट्रीमली वेल परफॉर्म गाड़ी है। अब मुड़ते हैं अगले कॉम्पिटिशन की तरफ दोस्तों जो है XUV300 हाल ही में लॉन्च हुई है और इसने सेगमेंट के कई सारे फीचर्स एडिशनल देकर सेगमेंट का एक बेंचमार्क रेज किया है। हालांकि हम ऑलरेडी इस गाड़ी को भी कोस रहे हैं कि ये गाड़ी ओवर प्राइस है और वहां पर कंपैरेटिवली अगर हम निसान किक्स को देखें तो वो इससे भी ज्यादा महंगी है, तो निसान किक्स तो कहीं पर भी खड़ी नहीं होती। मुझे समझ नहीं आता कि निसान की जो टीम है वो किक्स के साथ में क्या करना चाहती थी, उनकी थिंक टैंक कई सारे मोर्चों पर कई सारी जगहों पर कंप्लीटली फेल होती नजर आती है। चलिए जानते हैं कि XUV300 में आपको क्या क्या मिलता है। XUV300 में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलेगा जो 110 bhp की पावर और 200 nm का टॉर्क मिलेगा। डीजल में यही आपको 1.5 लीटर 115 bhp की पावर 300 nm टॉर्क के साथ में आएगी। यानी कि पेट्रोल और डीजल गाड़ी के परफॉर्मेंस के मामले और पावर आउटपुट के मामले में भी निसान किसी भी गाड़ी के आसपास नहीं पटकती, ना ही फीचर्स के मामले में किसी गाड़ी के पास पहुंचती है। XUV300 में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आएगा। इसके साथ में प्राइस की अगर हम बात करें तो पेट्रोल में W4 स्टार्ट होता है 7,90,000 से और W8 ऑप्शनल आपको जाएगा 11,49,000 तक। वहीं डीजल की अगर हम बात करें तो W4 8,49,000 से स्टार्ट होगा, W8 ऑप्शनल डीजल में जाएगा 11,99,000 में। इस गाड़ी में आपको 260 से लेकर 265 लीटर का बूट स्पेस आएगा और 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और फीचर्स के मामले में अगर आप XUV300 से इसे कंपेयर करते हैं तो XUV300 में आपको क्या मिलेगा, 4 डिस्क ब्रेक मिलेंगे, 17 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलेंगे, LED टर्न इंडिकेटर्स ऑन पावर फोल्ड ओवरवेम विथ
हीटेड वॉरियंस, क्रूज कंट्रोल, चार स्पीकर, दो ट्वीटर, सनरूफ आएगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विद ड्यूअल जोन ऑप्शन, थ्री स्टीयरिंग मोड्स आएंगे, पुश स्टार्ट स्टॉप बटन आएगा, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आएंगे, रेन सेंसिंग वाइपर आएंगे, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलेगी, टायर पोजीशन मॉनिटरिंग डिस्प्ले मिलेगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम मिलेगा, ऑटो डिमिंग IRVMs मिलेंगे, टायरट्रॉनिक्स मिलेंगे आपको, 7 एयरबैग्स मिलेंगे, ESP विद रोल ओवर मिटिगेशन, हिल होल्ड असिस्ट, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ABS, EBD, पैसेंजर एयरबैग डीएक्टिवेशन सिस्टम, हीटेड वॉर इवेंट्स और 3-point सीट बेल्ट इन ऑल द सीट्स। ये सारी चीजें आपको XUV300 में मिलती हैं और मुझे नहीं लगता कि निसान किक्स किसी भी एंगल से इन सारी चीजों के पास में फटकती है या पहुंच पाती है। एक और चीज फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर हम बात करें तो टॉप एंड जो कि XUV प्री ऑप्शनल है विच गोज अप टू 14,65,000, उसमें अगर एक वक्त के लिए हम 30,000 और ऐड कर दें तो आपको टाटा हैरियर का सेकेंड टॉप मॉडल जो कि XT वो आ जाएगा 14,95,000 में। वो गाड़ी भी निसान किक्स के मामले में हर एक चीज में कई गुना बेहतर है। तो मुझे लगता है निसान खुद ही अपनी गाड़ी का एक आउटडेटेड प्रोडक्ट लॉन्च करके अपनी गाड़ी का और अपनी कंपनी का खून करने पे तुला हुआ है। और अब ये जानने की चीज कोशिश करते हैं कि वो कौन से फीचर्स है जो निसान किक्स में मिसिंग है लेकिन कॉम्पिटिशन में आते हैं। किसी एक गाड़ी की बात नहीं करूंगा, ओवरऑल सारे गाड़ियों में से कुछ जरूरी फीचर्स मैंने निकाले हैं जो निसान किक्स में मिसिंग है। सनरूफ का ऑप्शन आप नहीं दे रहे हो, आपकी गाड़ी में ना तो 6 एयरबैग ना तो 7 एयरबैग का ऑप्शन है, चारों के चारों डिस्क ब्रेक का ऑप्शन ना होना, ऑटोमेटिक ऑप्शन का ना होना, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स नहीं है, हीटेड ORVMs नहीं है, मल्टीपल ड्राइव मोड्स नहीं है, मल्टीपल स्टीयरिंग मोड्स नहीं है, ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, आपकी गाड़ी में सिर्फ 2 स्पीकर और 2 ट्वीटर आते हैं। और भी कई सारे फीचर्स हैं दोस्तों जो इस गाड़ी में मिसिंग करते हैं जिसकी वजह से निसान किक्स इस कॉम्पिटिशन में कहीं भी स्टैंड आउट नहीं करती। आपको क्या लगता है? मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक डिसीजन मेकिंग के तौर पर बहुत ही सपोर्टिव रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, जिसके चलते सारी चीजें कंसिडर करके आप अपने लिए एक बेहतर गाड़ी चुन पाएंगे। आप अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, इस सेगमेंट में आपके लिए कौन सी गाड़ी आप सोचते हैं कि बहुत ही बेहतर है, जबकि मुझे लगता है कि सारे फीचर्स होने के बावजूद भी XUV300 भी ओवर प्राइस है। इसके लिए ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसका लिंक मैं आपके लिए ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से उसे आप देख सकते हैं। मुझे बताइएगा कि आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें। और जब तक हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हमेशा की तरह सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षा नियमों का पालन कीजिएगा और अपने और दोस्तों की जान की रक्षा कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।